बुलंदशहर से सुनील राघव की रिपोर्ट। भारत चीन बॉर्डर पर चीन द्वारा भारतीय सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला करने के विरोध में पुतला दहन करने के संबंध में। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी के आदेशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश देने के पश्चात आज बुलंदशहर में काले आम चौराहे पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर मनोज प्रधान जी के नेतृत्व में पुतला दहन करते हुए भारत सरकार से यह भी मांग की चीन से होने वाले आयात व निर्यात को पूर्णतया प्रतिबंध करे और हमारे सैनिकों के हत्या का बदला ले। इस कड़ी में करणी सेना पूर्णतः सरकार के साथ है और जरूरत पड़ने पर हमारा प्रत्येक करणी सैनिक बॉर्डर पर जाकर भारत की सेना के साथ देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए खून का एक एक कतरा बहाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश प्रदेश के संगठन महामंत्री राणा ब्रजेश प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका और भविष्य में अब चीन के सामान का बहिष्कार करने का सभी आम जनता से निवेदन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों करणी सैनिकों द्वारा चीन का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम में नावेश चौधरी रालोद प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, मोहित चौधरी, नरेश फौजी, डॉक्टर प्रताप राघव, गौरव राणा, अभिषेक ठाकुर, ठाकुर दीपक राणा जिला उपाध्यक्ष, जितेंद्र भाटी जिला उपाध्यक्ष, गौरव भदौरिया जिला सचिव, विपिन राणा विधानसभा उपाध्यक्ष, अमित सोलंकी महासचिव, राजीव भाटी सचिव, राहुल तोमर विधानसभा उपाध्यक्ष, गौरव राणा महासचिव, भगत सोलंकी सचिव, रुचित भाटी सिंह सचिव, रजनीश राणा नगर संयोजक, डीके ठाकुर सिंगर, मोनू फौजी, रोहित ठाकुर, नितेश ठाकुर, प्रिंस ठाकुर, सौरभ ठाकुर, रवि ठाकुर, राहुल जादौन, हरिओम जादौन, दीपक राणा, सचिन तोमर आदि लोग शामिल रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है, अभी पीछे हमारे जो 20 सैनिक बॉर्डर पर मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उसको लेके हमने विरोध प्रदर्शन जारी किया है और चाइना का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग उसका हमने पुतला फूंका है।